वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। आज की क्लास में हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, मतलब आप कंप्यूटर से क्या समझते हैं। तो मैंने आपको पहले की ऑनलाइन क्लास में भी समझाया था कि कंप्यूटर का मतलब होता है यह एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बिजली से चलने वाला, डेटा मतलब जो इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ प्रोसेस स्टोर हुई हुई चीज़ें होती हैं, और प्रोसेसिंग मतलब जो निरंतर कार्य करता रहता है, और यह एक मशीन होती है। इस बुक में आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिससे आपको इसे समझने में बहुत हेल्प मतलब बहुत सहायता मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको कंप्यूटर का मतलब समझाया, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। मतलब कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा का मतलब है कि भिन्न भिन्न प्रकार के डेटा, भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़े इसमें सेव होके रहते हैं। जो टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट आप सभी को पता है टेक्स्ट क्या होता है, जो हम मैसेज वगैरह या कोई और चीज़ किसी और पर्सन को भेजते हैं। नंबर्स, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स और टेक्स्ट, नंबर, इस तरह की कोई भी डेटा को हम कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर एक सिंगल मशीन नहीं होती, मतलब कंप्यूटर को हम एक सिंगल मशीन नहीं कहते हैं। इसमें इसके बहुत से पार्ट्स भी यूज़ होते हैं। ये कलेक्शन ऑफ मैनी पार्ट्स होता है, जैसे कि यहाँ कंप्यूटर के चित्र के नीचे लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ मैनी पार्ट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हम कंप्यूटर को बनाते हैं, जिसे हम कंप्यूटर का सिस्टम कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में इसमें हमें कंप्यूटर परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है, यह मैंने आपको पहले भी सिखाया था। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, फर्स्ट इज़ इनपुट, सेकेंड इज़ प्रोसेसिंग एंड लास्ट इज आउटपुट। इनपुट क्या होती है? इनपुट हमारे द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शंस होती है, मतलब हमारे द्वारा दिए हुए आदेश। प्रोसेसिंग होता है, मतलब उन आदेशों पर कार्य करना जो कंप्यूटर करता है। उसके बाद आउटपुट होता है वह इंफॉर्मेशन, मतलब वह रिजल्ट जो हमें कंप्यूटर से मिल जाता है, जो क्वेश्चन हम पूछते हैं। तो ये तीन टाइप्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये कंप्यूटर एक प्रोसेस भी होता है, जिसमें यहाँ पर कंप्यूटर स्टोरिंग प्रोसेसर आउटपुट को भी नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। यह मैंने आपको पहले ऑनलाइन क्लास में भी समझा दिया था। तो इनपुट होते ही वह इंस्ट्रक्शंस, वह आदेश जो हम कंप्यूटर को देते हैं साधनों के जरिए, मतलब डिवाइसेस के जरिए। और स्टोरिंग होता है वह कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का वह पार्ट जो हमारे आदेशों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। फिर थर्ड आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि डाटा को प्रोसेस करना, डेटा के ऊपर अपना कार्य करना। उसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है हमें रिजल्ट देना, हमें वह इंफॉर्मेशन देना जो हमने कंप्यूटर से मांगी थी। इसके बाद नीचे आपके पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ होता है कंप्यूटर के लाभ, कंप्यूटर के गुण, मतलब कंप्यूटर हमारा किन किन चीज़ों में यूज़ होता है। यह भी मैंने आपको पहले ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। एक्यूरेसी, आपको ये खुद पढ़ना है, मैं बस आपको अच्छे से मतलब समझा देती हूँ, इसका अर्थ समझा देती हूँ, ताकि आपको इसे याद करने में और समझने में थोड़ी हेल्प हो जाए। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक, मतलब कोई भी एरर नहीं करता, जैसे कि एक ह्यूमन बींग, मतलब एक इंसान करता है। हम बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं, कोई भी इंसान कभी भी कोई भी गलती कर सकता है, और ये इंसान का एक बिहेव होता है, इंसान का एक तरीका होता है, क्योंकि वह मशीन नहीं होती, वह एक इंसान होता है। तो मतलब इंसान कोई भी गलतियाँ कभी भी कर सकता है, पर मशीन कभी गलतियाँ नहीं करती। उसमें एक्यूरेसी होती है, मतलब एरर की संभावना, गलतियों की संभावना बहुत ही कम होती है। इसी तरह नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 3 पे, हाई स्पीड, मतलब एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान जो कार्य बहुत देर से, मतलब काफ़ी घंटों में कर सकता है, वह कार्य एक मशीन कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनटों में पूरा कर देती है, यह होता है आपकी हाई स्पीड। फिर इसके बाद डायलिजेंस, ठीक है, डायलिजेंस मतलब होता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग बहुत ही जल्दी, मतलब एक इंसान बहुत ही जल्दी थक जाता है, परंतु एक कंप्यूटर, एक मशीन कभी भी नहीं थकती, वह दिन रात सुबह शाम काम कर
सकती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी मतलब जैसे हम अपनी चीज़ें, अपनी बहुत सी बातें सेव करके अपने दिमाग में याद करके रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में स्टोर करके रखती है। वैसे ही एक इंसान कोई भी चीज़ को कभी भी भूल सकता है, परंतु एक मशीन काफ़ी चीज़ों को कभी नहीं भूलता, वह अपने अंदर स्टोर करके रखता है, तो वो होती है उसकी मेमोरी। फिर इसमें वर्सेटिलिटी, ठीक है। वर्सेटिलिटी क्या होती है आपकी? वर्सेटिलिटी जिसे हम वर्सेटिलिटी या वर्सेटिलिटी भी कहते हैं, वो आपकी होती है कि यह बहुत ही जगहों पर अलग अलग काम कर सकता है। एक ह्यूमन बींग मतलब एक पर्सन एक समय पर दो तीन जगह ही काम कर सकता है या सिर्फ एक जगह पर ही काम कर सकता है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मैं सिर्फ वीडियो ही बना सकती हूँ और कोई काम नहीं कर सकती, परंतु एक कंप्यूटर एक समय पर बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे आप कंप्यूटर पे म्यूज़िक भी सुन सकते हो, वीडियोस भी देख सकते हो और साथ में अपने फाइल पे काम भी कर सकते हो। उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट आता है ज़ीरो इंटेलिजेंस। ज़ीरो इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर के पास अपना कोई आईक्यू नहीं होता, अपनी कोई भी नॉलेज नहीं होती। उसे ये सारी नॉलेज किससे मिलती है? हमारे द्वारा, यूज़र के द्वारा, जो कंप्यूटर को वह आदेश देता है। कंप्यूटर सिर्फ वही आदेश मान सकता है जो हम उसे देते हैं, अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा से ये कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। आज आपके ये करैक्टरिस्टिक्स हो गए हैं कंप्यूटर के। आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।